प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सार्थक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत में विकास की संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की पहलों पर चर्चा की। बैठक में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाली अमेरिका की 15 प्रमुख कंपनियों के CEO ने हिस्सा लिया। Initiative on critical and emerging technology, ISET inclusive innovation के लिए हमारे साझा commitment का प्रतीक है। आप ऐसे कई साथियों से मैं पहले भी मिला हूँ, भारत आपकी growth story से familiar है और हम उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है और मैं पक्का मानता हूं कि मेरा ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि तो आज हम हाईएस्ट ग्रो करने वाले लोग हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तेजी से ग्रो करेगी तो ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है और जो आज आप देख भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है, इसलिए आज हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की है। भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी और भारत का परफॉर्मेंस, आप उसमें यूनिकनेस देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा।